दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। भारी धुंध के कारण अमृतसर से दिल्ली जा रही एक बस गांव लिदड़ा के निकट खड़े ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर गांव लिदड़ा के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए। घटना की सूचना पाते ही हाईवे पेट्रोल व थाना मकसूदा की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिक्र योग्य है कि इस दुर्घटना के तकरीबन 5 मिनट बाद ही पीछे से आ रहा एक कैंटर भी एक अन्य ट्रक से टकरा गया, जिसे कैंटर का क्लीनर घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस EMT का काम करता वा। सानू 10 बजे कॉल आई कि मकसूदा बाईपास लागे पंजाब रोडवेज का एक्सीडेंट होया वा, पंजाब रोडवेज गड्डी का। तो उत्थे आपां गए तो सीन ते काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट होया ही। उत्थे घट्टो घट्ट 40 पेशेंट सी गड्डी च उत्थे बस च। तो उन्होंने आपां 6-7 मरीज आपां अपनी एम्बूलेंस पा के लिआंदे आ। तो एक पेशेंट सीरीयस सी ते बाकियां दे तां सट्टां लगियां ही, काफ़ी अब्रैजन सी, यानी कि रगड़ां लगियां ही ज़्यादा। बाकी हॉस्पिटल से एडमिट कराते, ट्रीटमेंट चालू है। वो अचानक से मैं पीछे बैठा हुआ था, बस वो मेरी सीट ही उखड़ के बाहर आ गई। अमृतसर से जाना कहाँ था? दिल्ली। मैं तो सो गया था, मुझे नींद आ गई थी। अगर ट्रक खराब खड़ा है, उसकी लाइट लोड कोई रखती नहीं, ना पत्थर ही लाए दे नहीं, बस पूरी फुल भरी। असी त्रलोक सिंह, एक ना अमृतसर वालों ट्रक आ रहा जी, वो मगर एक बस आ रही जी रोडवेज की वीडियो कोच बस। वो जी ट्रक के मगर धुंध के कारण ट्रक के मगर बची है, वह करके कुछ बंदे जख्मी है, वो अस्पताल भेजती है। कोई 40-50 के करीब है गए बंदे। नहीं अजय डैथ बारे कोई इनफॉर्मेशन नहीं सर, चल रहा जी प्रबंध।